डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल का डोमिसाइल स्टेटस किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से एक इंडिविजुअल यूके डोमिसाइल बनता है और वो क्या सिचुएशंस होंगी जहां पर वो डोमिसाइल स्टेटस ना होने के बावजूद डीम डोमिसाइल स्टेटस रख सकता है। तो सबसे पहले द डोमिसाइल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल differs from the concept of residence and nationality and it is based on the permanent home. Domicile ka taluk is baat se hota hai ki individual ka permanent home kya hai. Agar ek individual ka permanent home UK hai to wo UK domicile hoga aur agar other than UK hai to wo ek non UK domicile individual hoga. A person can only have one domicile at any one time. Ek waqt mein ek individual ek कंट्री का डोमिसाइल स्टेटस ऑन करता है। अब डोमिसाइल स्टेटस आइडेंटिफाई जब हम करने जाएंगे तो किस हवाले से हम डोमिसाइल स्टेटस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपके पास ये चार सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर वन विच इज कॉल्ड डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन किसी भी इंडिविजुअल के पास उस वक्त आता है जब वो पैदा होता है। ऑटोमेटिकली एक्वायर डोमिसाइल ऑफ फादर व्हेन बॉर्न। सो अगर एक इंडिविजुअल यूके में पैदा होता है तो उसको डोमिसाइल स्टेटस अपने फादर वाला मिलेगा, यानी उसके फादर का स्टेटस क्या है। तो अगर एक शख्स यूके में बॉर्न होता है तो उसके फादर का स्टेटस चेक किया जाएगा कि उसके फादर का परमानेंट होम क्या है, यानी कि उसके फादर का डोमिसाइल स्टेटस क्या है। अगर उसके फादर का डोमिसाइल स्टेटस यूके डोमिसाइल है तो उस शख्स को, उस बच्चे को भी ऑटोमेटिकली फादर वाला डोमिसाइल स्टेटस मिल जाएगा। सेकंड इज डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंसी। अब फॉर एग्जांपल उसका फादर यूके डोमिसाइल था लेकिन एक साल बाद या दो साल के बाद उसने अपना डोमिसाइल स्टेटस चेंज किया और वो किसी और कंट्री का डोमिसाइल स्टेटस अगर वो लेता है तो Until age 16, domicile dependent on father. इसका मतलब ये हुआ कि उस child का जो domicile of origin था, अब उसके father के domicile status के change करने से जो minor children होगा, वो भी automatically एक नए domicile status के ऊपर चला जाएगा। तो अगर एक शख्स UK domicile status change करता है, तो उसके जो minor children होंगे, उनका भी domicile status change हो जाएगा, and that is called domicile of dependence. 16 साल से ऑनवर्ड्स अब उस चिल्ड्रन के पास ये अथॉरिटी आ जाती है, ये राइट आ जाता है कि वो अपना डोमिसाइल स्टेटस डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन या डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंसी से चेंज करवाकर डोमिसाइल ऑफ चॉइस पर लेकर आ सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको अपने तमाम टाइज पुराने कंट्रीज से डिसकनेक्ट करने पड़ेंगे और अपना रेजिडेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा नए कंट्री में ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो अगर एक शख्स यूके डोमिसाइल्ड है और वो डोमिसाइल बाय चॉइस के जरिए नया डोमिसाइल स्टेटस क्रिएट करना चाहता है तो उसे यूके से अपने तमाम टाइज डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे और नए कंट्री के अंदर अपना परमानेंट रेजिडेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये तीन नॉर्मल सिचुएशंस हैं, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जो कि फादर का होता है, डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंसी जो कि फादर से चेंज होता है और डोमिसाइल ऑफ चॉइस जो कि बंदा खुद क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा एक और स्टेटस बनता है विच इज डीम डोमिसाइल जो कि अप्लाई हो सकता है पहली सिचुएशन किसी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट के ऊपर और दूसरी सिचुएशन किसी फॉर्मर डोमिसाइल रेजिडेंट के ऊपर। अब हम इसे देखते हैं डीम डोमिसाइल स्टेटस। With effect from 16th April 2017, rather 6th April, there are two situations in which a non-UK domicile. अब important चीज क्या है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो कि एक non-UK domicile रखता है, यानी किसी और country का उसके पास domicile है, लेकिन tax purpose के लिए वो UK deemed domicile में count हो सकता है और वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी रूल सेम रहेगा और कैपिटल गेन टैक्स पर्पस के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अब वो डीम डोमिसाइल कब बन सकता है, दो सिचुएशन। पहली जब वो लॉन्ग
टर्म रेजिडेंट हो। तो अगर एक शख्स लॉन्ग टर्म यूके रेजिडेंट हो तो उसे हम डीम्ड यूके डोमिसाइल क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस का रूल क्या है? उसका रूल ये है कि वो 15 साल आउट ऑफ 20 इयर्स प्रीवियस इयर्स, पिछले 20 साल में से 15 साल अगर वो यूके रेजिडेंट रहा तो हम कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा डीम डोमिसाइल के लिए इफ दे हैव नॉट बीन यूके रेजिडेंट इन एनी टैक्स ईयर कमेंसिंग आफ्टर 5th अप्रैल 2017। तो जरूरी है कि अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रेजिडेंट को डीम डोमिसाइल बनाना चाहते हैं तो आफ्टर 5th अप्रैल वो यूके रेजिडेंट होना जरूरी है। तो कंडीशन ये हुई कि आपके पास एक नॉन यूके डोमिसाइल शख्स है लेकिन साइड बाय साइड वो एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है, बाय डेफिनेशन 15 out of 20, और 5th अप्रैल 17 के बाद से वो यूके रेजिडेंट होना जरूरी है, तो आप उसे क्या बना सकते हैं? अब आप उसे डीम्ड डोमिसाइल बना सकते हैं इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स पर्पस के लिए। सेकेंड सिचुएशन, एक शख्स है जो कि पहले यूके डोमिसाइल था, बाद में उसने अपना यूके डोमिसाइल स्टेटस चेंज कर लिया, उसको कहते हैं फॉर्मरली डोमिसाइल रेजिडेंट। क्या वो डीम्ड डोमिसाइल स्टेटस के ऊपर आ सकता है? उसकी कंडीशन, एन इंडिविजुअल इज डीम्ड डोमिसाइल इन आर टैक्स ईयर इफ दे वर बॉर्न इन यूके, हैव देयर डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इन यूके एंड यूके रेजिडेंट इन दैट टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर के अंदर हम उसका डीम डोमिसाइल स्टेटस चेक कर रहे हैं उस टैक्स ईयर में उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। तो कौन सा शख्स होगा जो डीम डोमिसाइल होगा? वो फॉर्मर रेजिडेंट डोमिसाइल रेजिडेंट होना चाहिए, वो यूके में बॉर्न हुआ हो, उसके पास डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन भी यूके में हो और वो यूके रेजिडेंट हो उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर जिसमें हम उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। M was born in Sweden to Swedish domicile parent but came to UK to live and work on 5th April 2002. It has always been M's intentions to return to Sweden when he retires and he has kept a family home there. अब इस शख्स को देखें, M को, तो ये क्योंकि born हुआ है Sweden में और उसके पेरेंट का स्टेटस भी स्वीडिश डोमिसाइल है तो ये डोमिसाइल यूके डोमिसाइल तो नहीं है। क्या ये यूके डीम डोमिसाइल हो सकता है? उसके लिए हम चेक करेंगे, हमने दो चीजें डिस्कस की थी, क्या वो फॉर्मर क्या वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है, हम चेक करते हैं क्या ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है। और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट का हमने रूल क्या पढ़ा था? 15 आउट ऑफ 20 प्रीवियस टैक्स ईयर्स में वो रेजिडेंट था और 6th अप्रैल के बाद से 2017 के बाद से वो रेजिडेंट है, वो तो यहाँ पर है ऑब्वियसली। अब 2002 से लेकर 2020-21, सो टैक्स ईयर 5th अप्रैल 02 से वो काम कर रहा है, तो 2001-2002 से लेकर 2021 में अगर हम ईयर काउंट करें तो ये 15 साल, ये तकरीबन 15 साल से ज्यादा ईयर्स बनते हैं आउट ऑफ 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट होने के साथ हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी कि ये 15 आउट ऑफ 20 ईयर्स में रेजिडेंट है तो ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है, तो ये डीम डोमिसाइल बन सकता है और ये यूके रेजिडेंट 5th अप्रैल 2017 के बाद से भी मौजूद है, तो हम कहेंगे M is a deemed domicile person due to long-term resident rule. Second one, L was born in UK and both of her parents have always been UK domicile. तो ये domicile
बॉर्न हुआ, डोमिसाइल ऑफ ओरिजन भी है. देन एल मूव टू जर्मनी इन 2016 टू लिव एंड वर्क एंड चूज टू चेंज हर डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल ऑफ चॉइस, उसने चेंज कर लिया. हाउएवर हर मदर फेल इल रिसेंटली एंड एज अ रिजल्ट शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन 2021 इन यूके, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉजिंग हर टू बिकम यूके रेजिडेंट. क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर अपना मेजॉरिटी टाइम 183 डेज अगर यूके में गुजार ले तो वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट रूल के अंदर रेजिडेंट बन जाता है. बट हर इंटेंशन इज टू रिटर्न टू जर्मनी. सो टैक्स ईयर 2021 में क्या ये डीम डोमिसाइल है, ये चेक करने के लिए फॉर्मर रेजिडेंट का रूल चेक करना पड़ेगा. फॉर्मर डोमिसाइल का स्टेटस हमारे पास क्या था, फॉर्मर डोमिसाइल रेजिडेंट का स्टेटस क्या, तीन चीजें होनी चाहिए. बॉर्न इन यूके, यस कंडीशन सेटिस्फाइड. हैव देयर डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इन यूके, यस दैट इज सेटिस्फाइड. आर यूके रेजिडेंट इन टैक्स ईयर 2021, यस. सो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो हम ये कहेंगे कि एल इज आर डीम डोमिसाइल पर्सन ड्यू टू फॉर्मर रेजिडेंस रूल.